तो भैया जिसका मुझे था इंतजार फाइनल वो घड़ी आ गई। जी हाँ भाई, गाना नहीं गा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ भाई, जिस चीज का आप सबको और मुझे दिलचस्पी थी, बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी फाइनल आ चुकी है। फाइनली आज प्रेडिक्शन करने वाला हूँ टॉप 5 कंटेस्टेंट की जो फाइनाले में जा रहे हैं। जी हाँ भाई, इस वीक के बाद अगला वीक फाइनाले का वीक है और फाइनली देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा कंटेस्टेंट, कौन से वो लोग जो टॉप 5 में जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि 3 लोग नॉमिनेट कर दिए गए, नॉमिनेट किस तरीके से किए गए लास्ट वीडियो देख लीजिएगा जाके। नॉमिनेट हुए 3 लोग, लवकेश कटारिया, विशाल पांडे और शिवानी कुमारी। जी हाँ भाई, आप देखिए आज जो वोटिंग स्टार्टिंग की जाएगी, ठीक है, तो वोटिंग के हिसाब से भाई देखो, आपको पहले से पता होगा कि आज तक सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है लव कटारिया को हुई है। उसके बाद में अगर विशाल पांडे साथ में हो तो दूसरे चौथे नंबर विशाल पांडे रहेंगे, लेकिन अभी के टाइम पे 3 नॉमिनेट है, यानी कि शिवानी, विशाल, लोकेश। तो भैया देखो, अभी तक क्या था, अगर लोकेश नॉमिनेट नहीं होते थे, सिर्फ विशाल नॉमिनेट होते थे, तो भाई लोकेश विशाल दोनों दोस्त हैं, तो ऐसे में दोनों की जो फैन फॉलोइंग है, ठीक है, लोकेश के भी फैंस विशाल को सपोर्ट कर देते थे, लेकिन अभी के टाइम पे विशाल भी हैं और लोकेश दोनों हैं, ठीक है, तो ऐसे में विशाल के फैंस सिर्फ विशाल को सपोर्ट करेंगे, लोकेश के फैंस लोकेश को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे में एक दूसरे का साथ किसी को नहीं मिल पाएगा, तो सिंपल सी बात है भाई कि फटाक से जो नीचे आपको दिखाई देने वाले, वो दिखाई देने वाले विशाल पांडे, यानी कि यहाँ से दोनों लोग सेफ होंगे, वो शिवानी और लोकेश, ठीक है। अब बात करते हैं कि टॉप 5 में जाएंगे कौन से वो लोग। मेरे हिसाब से टॉप 5 में जाने वाले हैं अरमान मलिक जाएंगे, नंबर 1 अरमान मलिक को लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे कि विनर भाई, इसको विनर तो नहीं बनाएंगे, ठीक है, अरमान मलिक को बिग बॉस विनर नहीं बनाएगा, हालांकि इसको टॉप 5 में लेके जाएंगे, ठीक है। और एक बंदा है रणवीर सोरे, भाई रणवीर सोरे को जरूर टॉप 5 में लेके जाएंगे। और तीसरा है सना मकबूल, 3 नाम कन्फर्म है, चौथा लोकेश कटारिया, पांचवा शिवानी कुमारी। जी हाँ भाई, ये 5 कंटेस्टेंट जाने वाले हैं, और बच्चे जो 4 सदस्य वो पक्का घर से बाहर कर दिए जाएंगे, जिससे विशाल पांडे तो नॉमिनेशन में ही बाहर कर दिया जाएगा, देख लेना आज, ठीक है, यानी कि आपकी बार वीकेंड जब आएगा तो विशाल पांडे बाहर कर दिया जाएगा नॉमिनेशन में, ठीक है। अब बचा हमारा कौन, शाही केतन, शाही केतन को बाहर किया जाएगा, इलिमिनेट किया जाएगा, और निजी को भी इलिमिनेट किया जाएगा, और कृतिका को भी इलिमिनेट किया जाएगा, ठीक है, गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। अभी रुक जाओ, मेरी वीडियो सेव कर लेना, ठीक है, और जब फिनाले हो तो आप बताना कि आपने कौन कौन से वो नाम लिए थे, ठीक है। तो फाइनली जो नाम मैंने लिए हैं, रणवीर पक्का टॉप 5 में जाएगा, सना मकबूल जाएगी, ठीक है, और अरमान मलिक भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने बहुत बढ़िया विलियन का रोल प्ले किया, ठीक है, तो अरमान मलिक जाएगा, उसके साथ साथ में हमारे लोकेश कटारिया और सोनी कुमारी जाएंगे, ठीक है, ये टॉप 5 हो गया। अगर टॉप 3 की बात की जाए तो टॉप 3 में कौन जाएगा, देखो आपको बताता हूँ, अगर वोटिंग के हिसाब से इनको विनर बनाना होगा, ठीक है, तो लोकेश कटारिया को लेके जाएंगे पक्का, और वोटिंग के हिसाब से विनर बना देंगे, यानी कि लोकेश कटारिया, सना मकबूल, रणवीर सोरे, ये 3 कंटेस्टेंट लेके जाएंगे अगर इनको वोटिंग के हिसाब से विनर बनाना होगा लोकेश कटारिया को, तो ठीक है। अदरवाइज अगर लोकेश को इनको विनर नहीं बनाना है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, टॉप 3 में लेके जाएंगे और अपने हिसाब से विनर बनाएंगे, तो शिवानी, सना मकबूल, रणवीर सोरे, ये 3 कंटेस्टेंट टॉप 3 में लेके जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा भाई कौन से जाते हैं, कौन से टॉप 5 और टॉप 3 मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब वीडियो को सेव कर लेना, वेट करना, देखना भाई मेरी प्रेडिक्शन कैसी होती है, ठीक है, बाकी आपके हिसाब से कौन से कंटेस्टेंट टॉप 5 में जाएंगे और टॉप 3 में जाएंगे, फाइनली विनर कौन बनेगा भाई, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो, पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।